नमस्कार, मैं भाग्यश्री डोंगे वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संजय राउत ने विद्रोह करने वाले विधायकों पर साधा निशाना। राउत ने कहा कि हम मरेंगे लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे। कामठी में अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन। कांग्रेस द्वारा अग्निपथ योजना को बंद करने की गई मांग। और कुल्हाड़ी से मारकर सास ससुर की हत्या। पत्नी को भी कुल्हाड़ी से मारकर किया गंभीर रूप से घायल। विस्तार से संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल और गुवाहाटी में बैठी बेचैन आत्माएं वह किसी भी शब्द का गलत मतलब निकालते हैं। महाराष्ट्र से संबंध टूट जाने से मराठी भाषा के साथ भी संबंध टूट गया ऐसे देख रहा है, ऐसा भी उन्होंने इस वक्त कहा। संजय राउत ने भाजपा और विद्रोह करने वाले विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि कल का दहीसर भाषण अब मेरे पास है, आपको लगता होगा तो मैं अभी आपको सुनाता हूँ। वह लोग अभी गुवाहाटी में है पर उनकी आत्मा मर गई, बस उनका शरीर जिंदा है। गुलाबराव पाटिल का यह भाषण मैंने गुवाहाटी में बैठे लोगों के लिए ट्वीट किया है। जो लोग बाप बदलते हैं वो जो वक्तव्य उन्होंने किया है वो बहुत मार्गदर्शक है। लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं और पार्टी में खाते हैं पीते हैं, बड़े होते हैं और बाप बदल लेते हैं। पिता को बदलने की भाषा गुलाबराव पाटिल की है, हमारी नहीं। जो लोग 40 साल से पार्टी में रहते हैं और फिर भाग जाते हैं तब उनकी आत्मा मर जाती है और वो एक जिंदा लाश के जैसे रहते हैं। जिंदा लाश यह शब्द रामबंधु लोहिया का है, यह नया शब्द नहीं है महाराष्ट्र देश के लिए। असं कोणी सांगितलं आहे तुम्ही हे पाहिलं का मी काय बोललो आहे ते? बघा, हे भारतीय जनता पक्षाचं आयटी सेल आणि जे गुवाहाटीला बसलेले आहेत अस्वस्थ आत्मे, हे ते काही कुठलाही शब्दाचा अर्थ काढतील काय? त्यांचा महाराष्ट्राशी संपर्क तुटल्यामुळे, मराठी भाषेचा पण संपर्क तुटलेला दिसतोय। मी काल दहिसरचं भाषण माझ्याकडे आत्ता आहे, तुम्हाला मी आता ऐकवतो आणि ही आपल्या बोलण्याची पद्धत आहे महाराष्ट्रामध्ये। जे लोक तिकडे गुवाहाटीमध्ये आहेत उनका जमीर मर गया है, त्यांचा आत्मा मेला है, सिर्फ अभी उनका बॉडी बचा है, जिंदा है, जिंदा लाशे। ये तो शब्द हमारे हिंदी मराठी सब भाषा में है, तो यहाँ तो उनकी सिर्फ बॉडी आ जाएंगी, आत्मा कहाँ है? उनका आत्मा मर चुका है। या अगर मैं कहा है, अगर हे जर मैं बोललेलो असेल तर त्याच्यामध्ये एवढं मनाला लावून घ्यायचं कारण काय आहे? आणि ते खरं आहे, तुम्ही समजून घेत नाही। मी म्हणे बाप काढला, आत्ताच मी एक भाषण अभि मैंने एक भाषण ट्वीट किया गुलाबराव पाटील का, आप देख लीजिए, वो खुद बोल रहा है बाप बदलने की भाषा। जो लोग बाप बदलते हैं उस बारे में उसने जो एक वक्तव्य किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। वहाँ जो बैठे हैं गुवाहाटी में उन सभी के लिए गुलाब पाटील का जो मैंने एक स्पीच ट्वीट किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं पीते हैं बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। ये भाषा गुलाबराव पाटिल की है, हमारी नहीं है। और फिर एक बार मैं कहता हूँ, जो लोग 40-40 साल से पार्टी में रहते हैं और भाग जाते हैं, उनका जमीर मर गया, आत्मा मर गया है, तो क्या बचता है? जिंदा लाश, जिंदा लाज, जिंदा कौ में, ये शब्द राम मनोहर लोहिया साहब का है। जिंदा कौ में 5 साल तक इंतजार नहीं करती, ये किसने कहा है? ये राम मनोहर लोहिया ने कहा है। तो ये शब्द नया नहीं है महाराष्ट्र और देश के लिए। लेकिन समझ लीजिए, आपकी जो बुद्धि है वो कुंठित हो गई, आपका संपर्क टूटा है समाज से, लोगों से,
महाराष्ट्र से लोगों से, इसलिए आप इस प्रकार का आरोप करते हो। शिवसेना के पूर्व विधायक सुभाष साबने ने मुख्यमंत्री के वक्तव्य पर सवाल करते हुए कहा कि जिन्होंने शिवसेना प्रमुख को जेल में भेजा उनके साथ मंदिर में बैठते हो ये चलता है, इस वजह से हम 12 विधायक 1 साल तक ग्राम मंडल से निलंबित थे। उन्होंने कहा कि आज भी मेरे मन में शिवसेना के लिए बहुत आदर है, एकनाथ शिंदे ने जो किया है उसके लिए मैं सहमत हूँ, मेरा पूरा साथ उनके साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सभी शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के साथ दो, तभी शिवसेना कायम रह सकती है। काल माननीय या राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी सांगितलं, मी त्या बोबड्याच्या बाजूला मांडी घालून बसू का, पण ज्यांनी शिवसेना प्रमुखांना जेल दाखवली त्याच्या मांडीला मांडी लावून तुम्ही बसता, त्याच्या मांडीला मांडी लावून तुम्ही मंत्रिमंडळामध्ये बसता, ते चालते तुम्हाला? आणि त्याच्यासाठी आम्ही 12 आमदार शिवसेनेचे 1 वर्ष विधानमंडळामध्ये निलंबित होतो, फक्त आणि शिवसेना प्रमुखांच्या प्रेमामुळे निलंबित होतो। आजही शिवसेनेबद्दल माझ्या मनामध्ये नितांत आदर आहे, आणि आज जे काही शिवसेना नेते आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब माझं दैवत आहे, त्यांनी जे बंड केले त्या बंडाला मी पाठिंबा देण्यासाठी आणि महाराष्ट्रातल्या शिवसैनिकाला मी नम्रपणानं आवाहन करणार आहे की एकनाथ शिंदे साहेबाच्या पाठीमागे आपण खंबीरपणाने यावं, तरच शिवसेना टिकेल आणि महाराष्ट्र टिकणार आहे, अशी विनंती जामनेर तालुका युवा सेना और शिवसेना की बैठक विशाल लॉन में संपर्क प्रमुख विलास पारकर और विलास पाटिल की उपस्थिति में हुई। इस बैठक में युवा सेना ने खून से पत्र लिखकर पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को समर्थन दिया। विशाल लॉन में युवा सेना और शिवसेना की बैठक हुई, जिसमें युवा सेना के उपजिला युवा अधिकारी विश्वजीत राजे मनोहर पाटिल के खून में पत्र लिखकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का समर्थन किया गया। जामनेर तालुका के 51 युवा सेना पदाधिकारियों ने इस पत्र पर अपने अंगूठे के निशान पर खून से मोहर लगाई है। इस बैठक में शिवसेना कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से अपील की गई कि जो लोग चले गए वे देशद्रोही है, लेकिन असली कार्यकर्ता काम पर लगे। बैठक में उन्हें चुनौती दी गई थी कि वह पार्टी के विकास के लिए कड़ी मेहनत करें। डॉक्टर मनोहर पाटिल, विश्वजीत पाटिल, भारत पवार, संधु गुरव, नीलकंठ पाटिल, ज्ञानेश्वर जंजल, सोनवने भैया, गुजर सहित शिवसेना कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। केंद्र सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की गई थी, जबकि इस योजना का कांग्रेस पार्टी पूरे देश में विरोध कर रही है। आज कामठी कांग्रेस कमेटी ने जयस्तंभ चौक पर धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अग्निपथ योजना को जल्द से जल्द बंद करने की मांग भी इस वक्त की गई। आज पूरे भारत देश में आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी के आदेशानुसार अग्निपथ योजना का जोर शोर से विरोध किया जा रहा, उसी तरह कामठी शहर कांग्रेस कमेटी के सौजन्य आदेश कामठी शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से आदरणीय महासचिव महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी शकुर नागानी जी इनके नेतृत्व में यहाँ एक आंदोलन किया गया। इस योजना को जल्दी से जल्दी रद्द करें, ऐसी सभी पूरे आज भारतवर्ष की मांग है। उस मांग के साथ हम पूरे कांग्रेस कमेटी वाले, कामठी शहर के कांग्रेस कमेटी सब एकजुट है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से युवकों को आज आत्महत्या करने को प्रेरित किया है, जो योजना पूरे 30 साल जो भी उनके ये थे वो आज वो सिर्फ 4 साल को मर्यादित करके आज योजना के लिए आज युवक अपनी आत्महत्या कर रहे हैं आज पूरे देश में, वैसा ये मोदी इतना झूठा है। पहले रेल में मैं चाय बेचता था करके रेल कभी बिकने नहीं दूंगा, उसने रेल को भी प्राइवेट किया। ये योजना जल्दी से जल्दी रद्द किया जाए और पूर्ववत जैसा पहले योजना भर्ती होती थी वो भर्ती की शुरुआत किया जाए, ऐसी हमारी मांग है। नागपुर के रेशिमबाग में शिवसेना कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा विधायक एकनाथ शिंदे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां कई शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उपस्थित रहकर जोरदार नारेबाजी की। इस वक्त एकनाथ शिंदे की प्रतिमा को भी जलाया गया। शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे और शिवसेना के विधायकों के विद्रोह के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना के कार्यकर्ता और समर्थक इन विधायकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी तरफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही पोस्टर फाड़े जा रहे हैं और महाराष्ट्र के कई शहरों में शिंदे की मूर्तियों को जलाया जा रहा है। इसी के साथ नागपुर में भी शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रेशिमबाग में शिवसेना कार्यालय के सामने विधायक एकनाथ शिंदे की प्रतिमा जलाकर विधायकों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस वक्त शिवसेना के कई कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। VKB न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट।
खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। के बाद आपका स्वागत। शिवसेना के विद्रोह करने वाले विधायकों और ठाकरे समर्थकों के बीच विवाद दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। भीड़ में आज ठाकरे के समर्थक एकनाथ शिंदे के खिलाफ आक्रामक हो गए। आंदोलन के दौरान शिवसैनिकों ने मुख्यमंत्री ठाकरे के समर्थन में धुले सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर बाकी विधायकों के खिलाफ नारेबाजी की। शिवसैनिकों ने आधे घंटे तक सड़क जाम कर दी, जिससे यातायात बाधित हो रही। आम्ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंबरोबर आहे आणि शिवसैनिक हे शेवटपर्यंत राहणार। जे गद्दार झालेत त्यांची आम्ही परवा आम्ही करणार नाहीत। आणि इथून नंतर शिवसेना काय करू शकते, आणि बीड जिल्ह्यामधून 6 आमदार आम्ही उद्धव साहेबाला इथून देऊत, आम्ही एवढी ग्वाही देतो। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे साहेब, आंदोलन काय भूमिका तुमची? आमची भूमिका एकच आहे, आम्ही उद्धव साहेबाबरोबर आहेत व इथले जेवढे भी शिवसैनिक आहेत, बीड जिल्हा शिवसेना ही उद्धव साहेबाबरोबर आहे। आमच्यातलं कुणीही कुणी बाहेर गेलेलं नाही, काय नाही काय नाही। आज जेवढे इथं आहेत हे सगळे उद्धव साहेबाबरोबर आहेत। नागपुर के MIDC पुलिस थाना अंतर्गत यादव परिवार में पिछले 2-3 दिनों से विवाद चल रहे थे। इसके चलते आरोपी नरमू यादव ने विवाद छुड़ाने आए अपने सास ससुर को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया और अपनी पत्नी कल्पना यादव को भी कुल्हाड़ी से वार कर गंभीर जख्मी कर दिया। आरोपी हत्या करते ही घर से भाग गया। इस मामले में MIDC पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और आगे की जाँच चल रही है। MIDC पुलिस थाना अंतर्गत पिछले 2-3 दिनों से यादव के घर पर झगड़े चल रहे थे। रात करीब 12:30 बजे आरोपी नरमू यादव का उनकी पत्नी से विवाद होने लगा। झगड़ा निपटाने के लिए जब उनके ससुर आए तो उन्हें कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया, फिर पत्नी को घसीटकर घर से बाहर निकाल लिया और जब उनकी सास झगड़ा निपटाने के लिए दौड़ी तो उसने उन्हें भी कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी और पत्नी के कंधे पर भी कुल्हाड़ी से वार किया और उसके सिर पर भी पत्थर से वार किया। पड़ोसियों ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वे बड़े बड़े पत्थरों को लेकर उनके भी पीछे भागे। सभी मौतों की पुष्टि होने के बाद आरोपी ने खून से सने कपड़े बदले और घर से भाग गया। इस मामले की जानकारी ग्रामीणों ने MIDC पुलिस को दी। मृतकों की पहचान भगवान बालकृष्ण रेवारे 65 वर्षीय और सास पुष्पा भगवान रेवारे 62 वर्षीय के रूप में हुई है।
आरोपी की पत्नी कल्पना यादव 40 वर्षीय और उसके पहले पति की बेटी मुस्कान मंडलिया 13 वर्षीय घायल हो गए हैं। घायलों को डिगडो के लता मंगेशकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल्पना को गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया है और उसकी हालत गंभीर है, जबकि बच्ची को जनरल वार्ड में रखा गया है। किंतु आरोपी नरमू यादव ने अपने सबसे छोटे बेटे महेंद्र यादव 8 वर्षीय को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय उसने वहां से चले जाने के लिए कहा। इस मामले में MIDC पुलिस आगे की जाँच कर रही है, जबकि इस खौफनाक घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। गोंदिया के रजेगांव में हजारों नागरिकों की उपस्थिति में राजश्री साहू महाराज सार्वजनिक सामाजिक जयंती समारोह संपन्न हुआ। इस जयंती समारोह में कई प्रमुख अतिथि भी उपस्थित थे, जबकि जामड़ी का आदिवासी नृत्य आकर्षण का केंद्र बना। राजर्षि शाहू महाराज सार्वजनिक सामाजिक जयंती समारोह रजेगांव में हजारों जन समुदाय के बीच संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता धनंजय वंजारी, आयुक्त आयकर नागपुर ने की। प्रमुख अतिथि एडवोकेट सीमा कछवा, नई दिल्ली, शुद्धोदन कांबड़े, जिला उपनिबंधक सविता बेदरकर, सावन कटरे, डॉक्टर सुप्रिया बोरकर, महेंद्र गजबीय, संतोष डोंगरे, अनिल वट्टी, प्रकाश ब्राह्मणकर, विनायक खरे आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। प्रमुख वक्ता एडवोकेट कछवा ने अपने ओजस्वी भाषण में शिक्षा तथा एकता को महत्व देकर सभी समाज एकजुटता का महत्व बताकर बाबा साहेब के कार्यों को भी बताया। उसी प्रकार धनंजय वंजारी ने भी युवाओं के सामने आकर शिक्षा से आगे आकर आज ताकत दिखाने की बात कहकर आगे की लड़ाई हेतु शिक्षित होकर मिशन आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इसी प्रकार सविता बेदरकर तथा उपशिक्षणाधिकारी महेंद्र गजबीय ने भी संबोधित किया, जबकि जामड़ी का आदिवासी नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। का जुगाड़ वो लोग कर ले अपने दिनचर्या में, क्योंकि हम लोगों को तो वो भी नसीब नहीं था और हम बाप बखूबी जानते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने पानी भी संघर्ष करके पिया है, लड़ाई करके पी है। तो हम लोगों ने इस देश के अंदर नौकरियां, इस देश के अंदर संपदा, जो आज घर पे हमारे संपत्ति है, जो हमने कपड़े पहने हैं, सब हमने छीना है, सब हमें किसी ने दिया नहीं। ये तथाकथित विद्वान जो आज हमारे इस हक को, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आरक्षण के रूप में दे गए, तो जो तथाकथित भिकमंगे इसे भीख बताते हैं, तो वो चिढ़ते हैं, चिढ़ते वो किलसते हैं हम लोगों की तरक्की देख के, वो किलसते हैं हमारे हंसते हुए चेहरों को देख के, वो किलसते हैं हमारे बच्चों को जो डॉक्टर इंजीनियर जज वकील बन रहे हैं आज की डेट में, वो किलसते हैं माननीय एडवोकेट साहिबा को देख के कि कैसे 7 साल के अंदर 4-4 लोगों को इतिहास बना दिया, फांसी पर चढ़वा दिया, जो हत्यारे थे और जिसके सामने ऑक्सफोर्ड से, कैलिफोर्निया से, लंदन से बड़े बड़े जो लॉ स्कूल है वहां से पढ़ के मैम के सामने अधिवक्ता आए थे, सबको उड़ा दिया, तथाकथित विद्वानों की मेरिट को उड़ा दिया और उनको चारों को फांसी पर टंगवा दिया। तो वो लोग इस चीज से खिलस थे। ऐसे बहुजन नायक माननीय काशीराम साहब, साथियों, आज इस रजेगांव की इस धरती पर जो आज राजश्री साहू महाराज की जयंती का जो पर्व मनाया जा रहा है, यहाँ पर सुन रहे होंगे या जितने भी लोगों ने आज सुना होगा या इस मंडप से थक कर, पूरे दिन भर थक कर, पसीना बहाकर थोड़े देर के लिए जो बाहर भी जा चुके हो, वो बात कितने पलों बाद, कितने दिनों बाद इतनी बड़ी तादाद में हम इकट्ठा है। आप खान की जो भूमिका लेते हुए और कानून और संविधान को किस तरीके से अच्छी तरीके से अमल में लाया जा सकता है, ये पूरे देश और दुनिया को दिखा दिया, उसको सुनने के लिए आए। और इस गोंदिया की धरती के रजे गांव से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे भारत की अखंडता एकमात्र कारण से बची हुई है, वो है भारत का संविधान, और जिसको लिखा है एक ऐसे बेटे ने जिस बेटे को पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। हमारे खून में, हमारे पूर्वजों के विचारों में, हमारे पूर्वजों के व्यवहार में मानवतावाद की बात झलकती है, उनके कामों में मानवतावाद झलकता है, उनकी किताबों की लेखनी में समतामूलक समाज की बात झलकती है। लेकिन नागपुर से संचालित होने वाली किसी पत्रिका आज तक समतामूलक समाज की बात नहीं कर रही है। वो बात किस बात की कर रही है? उस बात की बात कर रही है, राष्ट्रवाद की बात कर रही है, और उस राष्ट्रवाद में इस देश की बहुसंख्यक आबादी, जो कि बहुजनों की आबादी है,
जो कि दलित शोषित पीड़ित वंचित माइनॉरिटी महिलाओं की आबादी है, उनके हक अधिकार की बात नहीं है, तो फिर ये कैसा राष्ट्रवाद है। वीकेबी न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद राज्य में राजनीतिक भूचाल आ गया है, जबकि राज्य भर में कई शिवसैनिकों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे का सार्वजनिक रूप से जिला शिवसेना द्वारा वाशिम में स्थानीय शिवाजी महाराज चौक पर विरोध किया गया था। इस वक्त वाशिम जिले के संरक्षण मंत्री शंभुराज देसाई के खिलाफ भी एक घोषणा की गई। या ठिकाणी आज वाशिम शिवसेनेतर्फे आम्ही जे सध्या परिस्थिती आहे महाराष्ट्रात, जे आमदार या ठिकाणी बंडखोर झाले त्याच्या निषेधार्थ म्हणून आणि माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या समर्थनार्थ आमच्या वाशिम जिल्हा शिवसेनेच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी सर्व जे आमदार गेले त्यांचा जाहीर या ठिकाणी निषेध करतो व येणाऱ्या काळात शिवसेना वाशिम जिल्हा मागे सांगितल्याप्रमाणे संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यातील शिवसेना माननीय उद्धवजी साहेब आणि माननीय आदित्यजी साहेब यांच्या सोबत आहे व कायम सोबत राहील। इथे निष्ठावान शिवसैनिकांची या ठिकाणी सर्व निष्ठावान शिवसैनिक इथे जमा झालेले आहेत। आम्ही या ठिकाणी जे आमदार बंडखोर आमदार झालेले आहेत त्यांचा आम्ही जाहीर या ठिकाणी निषेध करतो। जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभुराज देसाई त्यांचा पण निषेध। वाशिम जिल्हा कारंजा शहराच्या वतीने आम्ही जे बंडखोरी केलेली आहे एकनाथ शिंदे सोबत 40 आमदारांनी, त्यांचा आज निषेध करायला आम्ही इथं शिवसैनिक जमलेलो आहो आणि आम्ही उद्धव ठाकरे साहेबांसोबत आहो, आम्ही शिवसेना सोबत आहो, एवढंच बोलतो, जय महाराष्ट्र। आज वाशिम जिल्ह्याच्या वतीनं आज उद्धव साहेब यांच्या समर्थ यासाठी वाशिम जिल्ह्याच्या वतीनं आज सर्व शिवसैनिकांच्या वतीनं आम्ही उद्धव साहेबांच्या सोबत आहो आणि जे आमदार पळून गेले पळकुटे यांचा जाहीर निषेध करतो वाशिम जिल्ह्याच्या वतीनं आणि सर्व शिवसेना पदाधिकारी महिला आघाडी असो युती सेना असो युवा सेना असो शिवसेना असो सर्वांच्या वतीनं जाहीर निषेध करतो आणि उद्धव साहेबांच्या खंबीरपणे आम्ही सर्व शिवसेना वाशिम जिल्ह्याची त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा। तो वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में अब बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।